हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ठंडी गर्मी में थोड़ा सा बीमार हो गई थी तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी आप लोग, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो बना रही हूँ ये छोड़ूंगी कल, नहीं तो आज ही छोड़ दूँगी। और आप लोगों से बहुत दिनों तक बात नहीं की तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे एक साल बीत गया है। ऐसा लग रहा है आप लोगों से बात करते करते ऐसा लगता है बात ना करूं तो वो टाइगर आ रहा है देखने के लिए कि मैं किससे बात कर रही हूं। तो इसीलिए तो चलिए अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूं और मैं क्या ब्रेकफास्ट बनाती हूं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाऊँगी पराठा। मैंने ये आलू, बॉयल आलू के साथ मैदा को गूंद लिया है तो यही पराठा बनाऊंगी, आलू पराठा। तो चलिए बनाते हैं। थोड़ा मोटा मोटा करके बनाऊंगी। इसमें बॉयल आलू एक साथ मैंने भून लिया था अजवाइन के साथ। तो मेरे लिए दो छोटे चूल्हे और एक मम्मी चूल्हे, पता है क्या? क्या नहाने के बाद भी गर्म लगता है? आने दो, मुझे बहुत गर्म लग गया फिर भी नहाने के बाद भी। ये वाला पराठा मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा। आलू का पराठा जो होता है वो मस्टर्ड ऑयल में बनाने से, सरसों के तेल में बनाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं आज सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसे थोड़ा गर्म करेंगे, अच्छे से गर्म कीजिएगा नहीं तो ये कच्चा रहेगा। तो इसको ऐसे थोड़ा बिल्कुल इधर इस तरह बोलना है जैसे, बस ये तैयार हो गया। तो चलिए अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बोल। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, अभी हम लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये आलू पराठा और ये आम का अचार, और अभी छोटी भी खाएगी। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद लंच बनाऊंगी। चलिए दीदी खा। मैं आप लोगों को बहुत मिस की, पता है? मम्मी ने पूजा का ड्रेस भी ले लिया। हाँ हाँ, और एक बात बताना था, एक मिनट बताती हूँ, रुकिए। हम लोगों ने, मम्मी ने पूजा का ड्रेस खरीद के दे दिया, वो हम लोग आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय मिलने से आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी हम लोग का नया वाला ड्रेस जो हम लोग पूजा में पहनेंगे। पूजा में नहीं पहनेंगे, एक ओकेशन आ रहा है इसमें पहनूंगी। हाँ, दो ड्रेस खरीदा, एक पूजा में पहनूंगी और एक ओकेशन के लिए। हाँ। बहुत ही अच्छा बनाया है आलू का पराठा। मैं सोच रही थी कि दीदी ने वीडियो नहीं छोड़ा तो क्या आगे होगा, ये सोच सोच के मैं परेशान हो गई। यूट्यूब डिलीट हो जाएगा ना, कि मैं सोच सोच के मैं दीदी को इसे जल्दी से अच्छा अच्छा दवाई खिला के जल्दी से ठीक ठीक कराई,
करी हाँ हाँ कराया नहीं कराई कि ठीक हो गई थी, हो गई इसलिए अच्छा से मालिश कर दी, सिर दवा दी, पैर दवा दी, दवाई खिलाई तो अच्छा से वो ठीक हो गई अभी तो। अभी मैं भी हम लोग अभी वीडियो छोड़ पाएंगे नहीं तो मैं सोची थी हे भगवान कब यूट्यूब से मैसेज आएगा कि तुम्हारा यूट्यूब डिलीट कर दूँगी तो कर दूँगा क्या यूट्यूब हाँ ना यूट्यूब क्या है कर दूँगी या कर वो तो हम लोग किसी को भी मालूम नहीं है, हम लोग कोई भी यूट्यूबर नहीं जानते कि वो यूट्यूबर कर दूँगी है या कर दूँगा है ये आज तक कोई जैसे बिग बॉस में नहीं पता चला किसी को भी कि वो क्या नहीं पता चला, वो इंसान है तो वो तो पता चला कि एक आदमी है लेकिन कौन है वो, उसका वॉइस जो है वो किसका है उसी तरह से है, हम लोग भी नहीं जानते, हम लोग यूट्यूबर भी नहीं जानते कि यूट्यूबर ही है या शी है, ही है या शी है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे ढूंढ के निकालेंगे टिक के जैसे सर्च करके कि यूट्यूबर ही है कि शी है। आप लोग भी बताइएगा हाँ कि मैंने सही बोला कि नहीं, आप मेरे बात के साथ सहमत है कि नहीं कि ये यूट्यूबर जो है चैनल इसका जो बॉस है वो लड़की है कि लड़का है, शी है कि ही है, ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा अपना दिमाग से सोच सोच के फिर ही हम लोग जीत पाएंगे क्योंकि हम लोग कोई भी नहीं जानते कि वो ही है या शी है, तो कन्फ्यूज मैं कन्फ्यूजन ही बोलूँगी। तो मैं आज 3:30 बजे आऊँगी कॉलेज से, तो तोड़ती कौन ये खा रही हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं अनार, क्या बोलो पुगना में अनार, अनार पुगना में तुम्हें प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, ये बंगाली मीडियम में पढ़ी है ना इसीलिए ये बंगाली मीडियम में पढ़ी है, शिशु की नाम था स्कूल नाम था शारदमणि स्कूल में पढ़ी, और इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, मम्मी आई थी तो मम्मी को बोला मैंने कि आज मम्मी आपको सब लोग देख ले हैं, सपने देख लिया आपको, तो बोले जल्दी से मेरा वो काट लो जल्दी से। तो फ्रेंड्स अभी हमें खाना बना रहती हूँ उसके बाद आप लोग से बात, फ्रेंड्स मैंने लंच बना लिया है और लंच में आज मैंने बनाया है ये है पत्ता गोभी की सब्ज़ी आलू के साथ और ये अंडा भुर्जी करी, आज ये हम लोगों का लंच है। तो छोटी अभी तक कॉलेज से आई नहीं तो मैं लंच कर लूँगी अभी।
तो अभी छोटी कॉलेज से नहीं आई, तो इसलिए मैं अकेले ही लंच कर लूँगी। वो 4 बजे आएगी, तो मैं लंच करके दवाई खा के अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो आप लोगों से मैं